अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से अवामी नौईयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर सुबह के वक्त प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, और जो अवामी नौईयत के मामलात और मसाइल हैं, चाहे समाजी मसाइल हों या मसाइल आपकी सेहत के हवाले से हों, तालीम के हवाले से, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हल्के फुल्के अंदाज़ में सुबह के वक्त गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं जिनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मसाइल हैं, जिसमें बड़ी तादाद मसाइल की ऐसी है जो खुद साख्ता हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सवालात आपकी जानिब से मौसूल होते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो आज ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल इस्टेट एंड बिल्डर्स THA कराची। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन तज़ियाकार हैं जो मुल्क की इस वक्त सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमने सुबह के वक्त मधु कर रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है और हर शख्स जो है वो मवाजना कर रहा है कि खित्ते के अंदर हम देखते हैं जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है, सूरत हाल हमें हर तरफ बेहतर ही नज़र आती है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आप क्या समझते हैं, मामलात में थोड़ा सा अगर संभाल नज़र आ रहा है, फिर भी लोगों का खदशा मौजूद है कि महंगाई जो है वो अब ख्याल ये है कि उनकी जो सोच थी और जो एक उनका ख्याल था कि यहाँ तक इस नुक्ते पर आकर रुक जाएगी, उससे बहुत कहीं आगे चली गई है, जहाँ से अब लगता है कि वापसी मुमकिन नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग नाउमीद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कीजिए, कैसे उनको उम्मीद दिलाई जाए। यासिर बेटा, बिल्कुल सही बात की आपने, मगर मेरी बात में और आपकी बात में थोड़ा सा फ़र्क है जी। फ़र्क इस सूरत में कि आपने कहा कि शायद वापसी मुमकिन नहीं है। हर चीज़ की वापसी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन होगी वापसी, और मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि अब आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अब वो जो शायद ऐसे दौर थे जिसमें लोग परेशान होते थे, मायूसी का शिकार होते थे, अब शायद वो दौर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब अपने लफ्ज़ों में जो आजकल चल रहा है कि डंडा चल गया है, डंडा चल गया, और वो डंडे का इंतज़ार था और डंडा चलना शुरू हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, जबकि मैं एक साल से ये बातें कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमेशा ऐसा वक्त नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा और कोई ना कोई मर्द मोमिन आएगा। अब वो वक्त आ गया, मर्द मोमिन भी आ गया, इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी चेंज होंगे, तकदीरें भी चेंज होंगी, तो लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतनी परेशानी बर्दाश्त की है कि जो हालात हो गए उन हालात को उन्होंने फेस किया है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अब जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब ये मुल्क ऐसे नहीं चलाएंगे। जो तरीका है मुल्क को चलाने का, जैसे दुनिया के मुल्क चल रहे हैं, उस तरीके से इंशाल्लाह चलाएंगे। और ये जो आगे होने जा रहा है, ये आपको पता है, मैंने आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि ये जो हल्फ जो उठाते हैं लोग उसको भूल जाते हैं। ये हल्फ जिन लोगों ने उठाया था, उन्होंने अगर उसकी खिलाफ वर्जी की है तो आप देखें उनका नतीजा भी भुगतेंगे अब वो। तो वो जिस वक्त इख्तदार होता है, उस वक्त नशा होता है, उस वक्त वो भूल जाते हैं कि भाई कभी ये वक्त जाना भी है, फिर उसके बाद दोबारा पता नहीं कैसा वक्त आता है। तो जो वक्त अल्लाह देता है उसकी कदर करें और उसका एहतराम करते हुए जिन लोगों ने आपको नॉमिनेट करके अगर आपको पार्लियामेंट में भेजा है, उनके मसाइल हल करें जी। ना कि पार्लियामेंट में अपने मतलब के बिल जो है ना पास करवाएं जी। और ये देखें ना, ये जो कौमी सलामती के इदारे हैं, माशाल्लाह ये अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करते। हमें कोई हक नहीं है कि हम इनको बुरा बोलें। जब ये मुल्क बहरान का शिकार होता है तो भी बहरान से, भंवर से निकालने के लिए भी यही लोग आते हैं। तो अब दोबारा इन्होंने कदम उठा लिया है। अब आप देखें कि लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। देखें, अब तो हर किसी को अपना हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको मौका मिला था, लोगों ने भेजा, लोग देख रहे हैं, तो कौमी सलामती के इदारे सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अब जब आपको मौका दिया, आपने अगर सही इस्तेमाल किया, तो जिन्होंने सही काम किया उनको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जिनमें खौफ खुदा था, जिन्होंने अगर अपने हलफ की पासदारी की, उसको कुछ नहीं होगा। अब जिन्होंने अगर हलफ की पासदारी नहीं की और गलत काम किया, तो वो एहतसाब के कटहरे में खड़े होंगे, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर आवाम के लिए खुशखबरी है कि डॉलर जिस तरीके से नीचे आ रहे, तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि ये जो जा रहा था डॉलर, तो देखें ब्रेक लगा, इसी तरीके से चीज़ें भी नीचे आएंगी। हमारे मुल्क का असल जो मसला है ना, कि जो जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने आने के बाद हमारी आवाम को सिर्फ कर्जदार किया, कभी को रिलीफ नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे। और शुरू से मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क का मसला बुनियादी जो है ना, वो एक कर्जा है। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा, आज भी आप देखें पेट्रोल, लोग कहते हैं कि इस हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया, इस हुकूमत के हाथ में ही नहीं है पेट्रोल बढ़ाना, ये मुआहदा पुरानी हुकूमतें करके गई हैं। जब पुरानी हुकूमतें एक मुआहदा करके गई है IMF से, तो उसके हिसाब से तो आगे भी जो जो मुआहदे हुए हैं, उसके हिसाब से भी आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अभी इस 1 अक्टूबर से हो सकता है कि सुई गैस की कीमत में आपका 45% इजाफा हो जाए, ऐसा ही, क्योंकि एक मुआहदे का हिस्सा है। तो आप जब मुआहदा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो हुकूमतें ये सोचती हैं कि भाई अभी हम हैं, हम तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद चले जाएंगे। तो भाई जो लोग लेकर आए उनका कौन सोचेगा? अगर यही सोच रहेगी, तो फिर तो ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। तो आखिर सोचने के लिए फिर कौन आता है फ्रंट लाइन के ऊपर? यही कौमी सलामती के इदारे आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अभी इन्होंने जो कदम उठाया है मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह ताला ये डॉलर फिर 250 में तो खैर रन करीब ही आ जाएगा, मगर ये 250 से भी नीचे आएगा। और उसके बाद जो हमारा CPEC का मंसूबा है, वो बहुत बड़ा मंसूबा है, वो पूरी दुनिया के लिए वहाँ से जो है ना रास्ते खुलेंगे जो तिजारत के, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक, तो अब जो ना मुल्क की डायरेक्शन माशाल्लाह सही डायरेक्शन में आ गया, हमारा मुल्क सही डायरेक्शन में आ रहा है। तो लोगों को ये है कि जो अभी परेशान हाल हैं, अब वो दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनको नजर बद से बचाए। और मेरा सलाम है उन लोगों को कि जो लोग इस मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, अल्लाह उनको भी तौफीक दे। आमीन। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। यकीनन ये है कि जो नेक नियति से काम कर रहे हैं, अगर तो लोग मौजूद हैं, तो उनके लिए फिर यही दुआ खैर जो है वो की जाए, बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। रोहन साहब, दूसरी तरफ ज़रा कारोबारी मामलों की तरफ नज़र डालते हैं, ज़रा रियल इस्टेट से, क्योंकि आपका बराह रास्त ताल्लुक है, हमें समझने का मौका मिल जाता है कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। वो टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते चले जा रहे हैं, ऊपर तले टैक्सेस देते हुए ये हाल हो गया है कि अब लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जब किसी से रियल इस्टेट के हवाले से बात होती है, वो कहता है कि अब इसके ऊपर बात करने के लिए क्या रह गया है, ना नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, ना कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं, कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि वो मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर हर 2 दिन 3 दिन के बाद अगर कीमतें बढ़ेंगी, तो वो जो कॉस्ट जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे कोई अपना काम मुकम्मल करेगा, कैसे डिलीवर करेगा, फिर ये बड़ा मसला हो चुका है। जी ज़रा फरमाइए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले DHA में अगर प्लॉट की कीमत 500 गज का प्लॉट का अगर खर्चा होता था 2 से 3-4 लाख रुपये, मैक्सिमम 2 लाख रुपये 3 लाख से होता था, तो लोग ट्रेडिंग भी करते थे, पैसा इन्वेस्ट भी होता था, लोग कमाते भी थे, उसमें बिल्डिंगें भी बनाते थे, रोज़गार भी मिलता था। अब यही एक प्लाट के ट्रांसफ़र के ऊपर जो फेज 8 में या फेज 10 में जो खर्चा आता है, वो 28 से 30 लाख रुपये का खर्चा आता है। आप मुझे बताएं कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो सारा के सारा जो नफ़ा है वो तो आपके टैक्सेस में चला जाता है, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? अब सिर्फ एंड यूज़र जो है वो, उसके पास चांस है कि वो प्लाट ले ले। और मैं समझता हूँ जो एंड यूज़र है, जिसको अपना घर बनाना है, और या पाकिस्तान में जिनके पास घर नहीं है और थोड़े बहुत पैसे सेव किए हुए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इस वक्त इन्वेस्ट करें डिफेंस के अंदर। प्लाटों की कीमतें बहुत नीचे हुई हुई हैं, आप लें, क्योंकि एंड यूज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है। मगर ये जो हालात अब पैदा हुए हैं, जो अब जो मुल्क के हालात सही होने लगे, एक जिन्होंने आज प्लाट की परचेजिंग कर ली या इन्वेस्ट कर लिया, आप देखेंगे 1-2 साल के बाद वो बोलेंगे यार अच्छा हुआ हमने प्लाट ले लिए थे, क्योंकि ये चीज़ें फिर दोबारा उस हिसाब से डॉलर नीचे आएगा, प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा सोच का एक फुकदान ये है कि लोगों को शायद इल्म नहीं है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है, वो अक्सर राय लेते हैं बंदा नाचीज से कि डॉलर ख़रीदना कैसा है या सोना ख़रीदना कैसा है। अब ये तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, मैं TV पे समझाऊंगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकता है कि बुरा भी मान जाए
लेकिन इसमें सरासर नुकसान ही है, मतलब कोई इतना खातिर खा आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। आपकी क्या राय फरमाइए? देखिए, जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो डॉलर कभी इन्वेस्ट नहीं करते, वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते कारोबारी लोग। असल में हमारे यहाँ ज़्यादातर तबका जो है ना, वो नौकरी पेशा तबका है जी, उनको तो कारोबार का कुछ पता नहीं है, लिहाजा वो सोचते हैं कि पैसे को कैसे सेव करें जब बढ़ जाए। दो तरीके हैं उनके पास, कि या तो डॉलर ले लें, डॉलर बढ़ जाएगा, जो कि डॉलर उल्टा हो गया जी, कि इंटर बैंक का रेट जो है ना उससे कम में मार्केट में अब मिल रहा है, हो गया ना उल्टा, तो ये बेस नहीं है। दूसरा, जो आप जो नौकरी पेशा लोग जो है ना बैंक में जो पैसे रख देते हैं, वो समझते हैं हमारे पैसे की सेफ्टी है, हमारे पैसे, तो वो बेसिकली अब देखें इंटरेस्ट रेट अब कम होना शुरू होगा, जब डॉलर नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर जो है ना ये सेल परचेज भी शुरू होगी, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी। असल तो अभी ये सब चीज़ें उसी का हिस्सा है ना, IMF का, ये जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, जब डॉलर नीचे आएगा तो लोग फिर उसी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो फिर वो फ़ायदेमंद है नहीं उनके लिए, IMF के लिए, तो IMF फिर उसको शायद कंसिडर करेगा डॉलर ये नीचे आएगा, जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो हमारे इंडस्ट्री में पैसा लगेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि ये जो डॉलर की शॉर्टेज है ये ख़त्म होगी और उसके ऊपर हमारा रिलायंस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हमारे यहाँ तो बड़े बड़े इकॉनमी के चैम्पियन मौजूद हैं, तो वो शायद हमसे ज़्यादा ही समझते हैं मामलात को, लेकिन ये कि देखने में ये आया है कि हमारे जितने भी ये लोग हैं बड़े बड़े तबसरे कर रहे होते हैं, जब अहम जिम्मेदारियाँ इनको सौंपी गई तो बिल्कुल बेबस नज़र आए, चेयरमैन FPR हो या किसी और पोजीशन पे, आजकल एक साहब थे वो छोड़े, हम क्या इसके ऊपर कहा जाए, वो भी माहिर माशियात तो आजकल हर शख्स ही बना हुआ है, तो ये सारी इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, और महंगाई में भी बराह रास्त हमारे यहाँ जो माफियाज़ हैं, जैसे दूध वाले माफिया है, फलाना माफिया है, ये माफिया, ट्रांसपोर्ट माफियाज़, अब ये डंडा जो चला है कि इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ भी चलेगा जिनके जद में आए हुए हम, और अगर इनको भी अगर सीधा किया जाए तो मेरे ख्याल में आधी जो महंगाई है तो उससे ख़त्म हो जाएगी। आपकी क्या राय? देखो, होता क्या है कि जब ये IMF की तरफ से अगर कोई चीज़ पेट्रोल में इजाफा होता है, तो पेट्रोल में अगर फ़र्ज करें कि 10 रुपये का इजाफा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट वाले उसे कहीं ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, या दूसरे दूध वाले इजाफा कर देते हैं, जबकि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनका 1 रुपये भी बढ़ाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा है, मगर वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये मनमानी कर रहे हैं ना, करने दें, या जब आप समझ रहे हैं कि अब ये डंडा चल गया है, ये माफिया के खिलाफ अगर चला है, तो ये ऊपर से ऑपरेशन शुरू होगा, जब ऊपर से काम शुरू होगा तो ये आते आते आप देखेंगे कि ये जो दूध माफिया हो गया, या ये जो दूसरे पानी माफिया हो गया, ये खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो किराए बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से 20-20 रुपये, 10-10 रुपये, ये सब सही होंगे, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब अभी जो है ना काम शुरू होगा ऊपर से, जब ऊपर से नीचे तक आएंगे तो ये सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद खुद अपनी औकात में आ जाएंगे लोग। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है। अच्छा जी, अब ये जैसे बात हो रही थी कि मुश्किल वक्त है और लोग जो है वो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं, अभी क्योंकि आपका इत्तेफाक हुआ बाहर जाते हुए, क्या सोच रखते हैं वैसे, क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे पहले कभी हम उनको कहा करते थे कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, अब क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, फरमाइए। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना पैसा बाहर से भेजना चाहता है, मगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना चाहता है, क्योंकि पहले ही हो गया था कि इंटर बैंक में और जो मार्केट के रेट में जो फ़र्क था ना, वो तकरीबन 20-25 रुपये का था, तो वो इंटर बैंक के थ्रू पैसे आ नहीं रहते, आ रहे थे हवाले के थ्रू, अब वो हवाले वालों का भी गहरा जो है ना तंग कर दिया गया, तो लिहाजा अब ये सिस्टमेटिकली जो चीज़ें बन जाएंगी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे पैसा रखना नहीं चाहता, उसकी जाहिर है अपनी मजबूरी भी है, कुछ वो इधर पैसा भी भेजना चाहता है, एक तो खिदमत की नज़र से, दूसरा ये कि वो पैसे को अपने पाकिस्तान में लेके कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, तो उसके डॉलर में जब उसको सेफ्टी मिलेगी तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पैसा आएगा, मगर वो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम हो, और जो बाकी जो मामला आते हैं, जैसे डॉलर जो है ना इंटर बैंक का, जैसे आजकल हुआ है कि इंटर बैंक का रेट और मार्केट के रेट में फ़र्क है, कि मार्केट में जो है ना डॉलर कम पैसे में मिल रहा है, इंटर बैंक में ज़्यादा का है, तो अब अगर ये पोजीशन रहेगी तो फिर लोग जो है ना बैंक के थ्रू पैसे भेजेंगे, जब बैंक के थ्रू पैसे देंगे तो हमारे कौमी ख़जाने में पैसे ज़्यादा आएंगे, तो ये अच्छी बात है, और कौमी और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको जोर देना चाहिए कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इनको इतना फैसिलिटेट करें कि ये पैसा भेजें। ठीक है, मतलब ये पैसा बढ़ाना कोई मसला नहीं है, मतलब 30 बिलियन की जगह 60 बिलियन आ जाएगा, मगर आप उनको सहूलतें तो दें, और ये मुल्क का फ़ायदा है,
अब मेरा ख्याल में जिनका काम था उन्होंने तो किया नहीं, अब जिनका काम था हमारे मुल्क की सलामती, अब वो ये अपने मईशत का भी काम वही कर रहे हैं मेरा ख्याल में। तो मेरा ख्याल में फिर तो हमेशा के लिए इन्हीं को दे देना चाहिए ये काम करने के ऐसे ही लिए। लोग ये डिमांड करते हैं। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जितनी भी सियासी पार्टियां आती रहीं जाती रहीं, बस इनके अंदर जो हाल कर कर गए, एक आम आदमी को अगर, वैसे तो उसको इल्म हो ही गया है जो कुछ हुआ, इदारों का हाल जो इन्होंने किया है, क्योंकि इदारे ही ये पूरी रियासत को चलाते हैं। और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो इदारों के अंदर काम हुए हैं, माशाल्लाह अब उसके नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं, वो नज़र आ रहा है। जब ये थोड़ी देर के लिए हटें तो पता चल रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर होता रहा। ज़रा फरमाइएगा कि ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा फिर, क्योंकि ये तो फिर इलेक्शन होने, इन्हीं लोगों ने दोबारा आना है, फिर ये वही हाल करेंगे इदारों में जब बैठेंगे, तो फिर यही होगा, अपनी मर्ज़ी से वो बिल्डिंग कंट्रोलिंग का वो लगा दिया किसी को और उसने फिर जो काम किए, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। रोशन साहब ये तो फरमाइए कि फिर इसका क्या देखिए, मैं अपनी नतीजा बात करूं तो निकला। मुझे तो कल एक रात को ख्वाब आया कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा, आपको भी आ मैंने ख्वाब आ गया तो क्या गया। करूं, ठीक आ गया तो मैंने बता है, दिया आपको। बहुत खूब। तो आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होता है? मुझे मेरे ये मेरी अपनी जाती राय है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल में जैसे सिस्टम चल रहा है इसी तरह चलता रहा, एडहॉक बेसिस के ऊपर तो नहीं, ज़्यादा जब तक बेटर है, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे तो जब तक तो मेरे ख्याल में इसी तरह से चलेगा। और अगर चल भी गया तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी जमात आप समझते हैं कि जिसके पास वो है, जो पुराने वाले थे वो अभी जो हाल कर कर गए हैं, तो लोगों ने अब तौबा कर लिए कि ऐसे तजर्बाकार लोगों से तो अब बाज ही आए हम, तो फिर किसके अब पास में हो? हुकूमतें भी वही आएंगी कि जो पहले जो लाइन लगा के खड़े होते थे ना, मुझे दे दो मुझे दे दो टिकट। अब टिकट लेके कोई नहीं खड़ा होगा, लोग बोलेंगे आपको आना है, ये कंडीशन है, करेंगे बिल्कुल आप? 10 लोग मना करेंगे तो एक हाँ करेगा। अगर मुझे लगता है ऐसा भी वक्त आ जाएगा, आना चाहिए। आना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। फरमाइए और क्या असम्पशंस आपकी हैं, ख़ास तौर पे चलें अगर इन्वेस्टमेंट के शोबे के पे ही बात हो जाए रियल एस्टेट के अंदर, तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है ये फरमाइए। और क्योंकि अब जिस तरह से तामीरात बढ़ती जा रही हैं शहर में, अब जगह तकरीबन ख़त्म होने को है और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आपके सामने है, अब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ समझी जाती है कि जो कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत यहाँ से गई है सिंध की, उसने जो हाल किया आपके सामने, 85% से ज़्यादा का शहर इस वक्त जो है वो खुदा हुआ है। और वो आपको पता है, एक मेयर साहब होते थे, तो पता नहीं आजकल कहाँ हैं, आज तो टीवी पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो बड़ा दावे किया करते थे, लेकिन हकीकत तो शहर आपको बता रहा है क्या है। फरमाइए क्या? ये ऑनेस्टी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऑनेस्टी। अब ये मुझे लगता है कि ऑनेस्ट होना पड़ेगा हमको, और इदारे जिनको भी लेकर आए या जो भी, और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, उन लोगों को वोट दें जो कि समझते हैं कि ये मुल्क के लिए काम करेंगे। क्योंकि ईमान का तो सौदा करके आते हैं ये लोग, जी ऐसा क्योंकि ही उनको होगा। पता है कि जाके तो हलफ उठाना है ना, मगर पहले तो जीत तो जाएँ, जीत जाएंगे तो हलफ भी उठा लेंगे। तो हलफ को वो बहुत मजाक समझ रहे हैं, हलफ कोई मजाक नहीं है। हलफ के आपको कहीं ना कहीं आपको उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में अगर ये हमारा मुल्क ऑनेस्टी पे चलेगा, हमारे यहाँ सिस्टम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। आप देखें ना, पहले इसी मुल्क के अंदर कितने गैर कानूनी हमारे पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में लोग थे ना जो कि पाकिस्तानी नहीं थे और रह रहे थे, सबको अल्टीमेटम दे दिया कि एक टाइम है, इस टाइम से पहले पहले चले जाओ, उसके बाद 10 साल की जेल है। सिस्टम बना है ना, पहले तो जंगल का कानून था, जी मतलब हमारे सामने लोग घूम रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है ना शनाख्ती कार्ड है, वो रह रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब देखा सिस्टम में आए, तो सिस्टम जो है पूरी दुनिया में जो सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू पूरे 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 मुल्क चलते हैं। ये इंशाल्लाह जो अब वो आगाज़ हुआ है, मुझे लगता है कि अब ये सिस्टम के थ्रू ही अब पूरा पाकिस्तान चलेगा। जब सिस्टम के थ्रू चलेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है। जाहिर है अभी लोग फाइलर नहीं है, अब लोग समझते हैं ये जुर्म है फाइलर, अब उनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो। फाइलर होने में जितना बड़ा फ़ायदा है ना, वो नॉन फाइलर में उनको नुकसान है। हर जगह जगह पे नुकसान है। आप लोग डेली बेसिस पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं, मगर बिल्कुल आप रिकॉर्ड में नहीं आ रहे। आप रिकॉर्ड में तो वो अच्छे शहरी है ही नहीं, क्योंकि टैक्स नहीं, जबकि आपका कोई नहीं थे, आपको 5,000 रुपये साल में देने के वकील को कि भाई मैंने साल में इतना टैक्स दिया, ये चीज़ें मैंने खरीदी थी, इस पर ये टैक्स लगा, जाके इसको शो कर दो, आपको क्या बिल्कुल नुकसान है। फिर अकाउंट खोलो, अकाउंट के अंदर जो पैसे डालोगे निकालोगे, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको हर जगह सहूलत ही सहूलत है, मगर क्योंकि यहाँ तालीम की कमी है, जी लोग नहीं समझते। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवसुल से लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग फाइलर बने,
लोगों के ध्यान में ये कि यार FBR में चले जाएंगे तो भाई FBR में जाना चाहिए, आप कोई गलत काम करोगे तो वो तो नहीं जा सकता, मतलब आप गलत काम तो नहीं कर रहे हो, एक आम शहरी जो है वो क्या गलत काम कर रहा है, वो तो जो चीज़ खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है। भाई सारी चीज़ों को जमा करें, आपने साल में कितना टैक्स दिया है, बिजली के बिल में, आपने प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर, आपने बच्चों की फीसों के अंदर, हर जगह जगह पर आपने टैक्स दिया, वो जाकर शो कर देखो भाई मैंने साल में इतना टैक्स दिया। एक आम आदमी मैं समझता लाखों रुपये टैक्स दे रहा है मगर शो नहीं कर रहा हूँ। शो नहीं कर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको चैनलाइज़ करने की और रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसी रेगुलेशंस हमारे यहाँ पाई जाती हैं लोग घबराते भी इस वजह से कि जैसे जैसे लोग बैठे हैं, और अक्सर आप देखते हैं आजकल एक साहब जो हैं वो आकर टीवी के ऊपर टैक्स के बहुत बड़े खिलाड़ी अपने आप को समझते हैं और चेयरमैन भी उनको लगाया गया, अब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग बदजन होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो गई ना पोजिशन उनके पास से, वो टीवी प्रोग्राम्स में आके फिर FBR के बारे में बताएंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं, सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा वतीरा है। और ऐसे लोगों को जब हम लेकर आते हैं तो फिर नतीजा ये निकलता है कि अभी आप यहाँ बैठ के लोगों को तलकीन कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं कि वो टैक्स अदा करें, लेकिन वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं लोग तो इससे दूर होते जाएंगे। फरमाइए। देखिए यार, मैंने आपको याद होगा कि मैं किसी की इसलिए बात नहीं करूँगा कि मेरा पहले दिन से एक ईमान है अल्लाह के ऊपर, और मैं कहता हूँ देखें ये मुल्क जो है ना, ये अगर इस्लाम के नाम पे बना है तो ये ख़राब होने के लिए, ख़त्म होने के लिए नहीं बना। ये बात मैं आपसे प्रोग्राम में कई मरतबा कर चुका हूँ, और आप हमेशा कहते हैं कि हमें तो नज़र नहीं आ रहा मगर आपका यकीन बहुत अच्छा। अब देखें वो यकीन, अब आपको सबको यकीन होना शुरू हो जाएगा। देखें ये मुल्क है ना, ये मुल्क ऐसे थोड़ी चलते हैं कि ये जंगल जिस तरीके से चल रहा था पिछले दिनों में, तो इस तरीके से तो ये मुल्क तबाह हो जाना था दो चार छः महीने में, ऐसा थोड़ी है। ये लोग जो बैठे हुए हैं ये क्या करते हैं, इनका काम ये देखते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, इतना रिकॉर्ड जमा करते हैं कौन क्या कर रहा है, उसके बाद अपना सिस्टम बनाते हैं। अब बना लिया सिस्टम, अब देखें मैं तो कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला रहम करे, और जो लोग ये बेड़ा उठा के खड़े हैं अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे, हमारे मुल्क की भी हिफाजत करें, और हमें भी हिम्मत दे के हम भी सही काम करें, क्योंकि उसमें हमें भी कुछ गलतियां हैं कि हमारे लोग भी जो ना गलत काम करने पे मजबूर होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी हुकूमत का साथ दें और अच्छे काम। रोशन अंकल, पहले इससे हम देख चुके हैं कि इस तरह बहुत दफ़ा हुआ, इस तरह के हमने डंडे उठाए और फिर हुआ, लेकिन क्या होता क्या है, नतीजा ही निकलता है फिर कोई हुकूमत, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सिचुएशन है, जो मामला ठीक करके दिए, फिर एक हुकूमत आई उसने आकर सारे का सारा सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि दोबारा आज वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर आज 2013 के अंदर थे या 14 के अंदर थे। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ आप चीज़ें ठीक करके दें फिर ऐसे लोगों को बिठा देते हैं, क्या के सिस्टम पूरा का पूरा तबाह बर्बाद कर देते हैं, और फिर 20-20, 30-30 साल तक उसके असरात नज़र आते रहते हैं, ये सिलसिला कैसे ख़त्म हो, ये तो फरमाएं। देखिए ये जो आपने बात की ना कि लोगों में एक खुशी की लहर आई थी कि यार एक नई हुकूमत आ रही है, नई हुकूमत आ रही है, मतलब ये है कि यार दुनिया पाकिस्तान में चेंज आ रहा है जी। तो उस चेंज से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता, बिल्कुल सही, मगर हुआ उसके बरक्स जी, हुआ उसके बरक्स बिल्कुल उसके। तो अब वो मैं कहता हूँ कि उसकी वजह से मतलब मैं छोटी छोटी सी चीज़ों को मैं गिनूँ तो इनके दौर में जो पाकिस्तानी कर्जदार हुआ वो दूसरी हुकूमतों से ज़्यादा हुआ। ये बुनियादी चीज़ ये है कि आप समझ लें कि भाई इसका मतलब ये हुकूमत फेलियर है। इन्होंने कहा था कि हम कचकोल लेके नहीं जाएंगे, कचकोल सबसे ज़्यादा ये लेके गए, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ कि देखें लोगों की उम्मीदें होती है ना, तो उनकी उम्मीदों का भी अब ख्याल करें। लोग अगर किसी से उम्मीदें रखते हैं कि यार ये हुकूमत आएगी ईमानदार हुकूमत है, हमारा कर्जा उतरेगा, आपने वादे किए, मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले जो है जो लोगों ने हमें कर्जदार किया, इन सियासी हुकूमतों ने कर्जदार किया, उनका काम है कि वो आए पहले हमसे मुआहदा करें, हमको बोले भाई हम कर्जा उतारेंगे, और अगर कर्जा नहीं हमारी दौरे हुकूमत हम हुकूमत करना चाहते हैं हुकूमत करेंगे मगर कर्जा उतारेंगे, अगर वो इसकी गारंटी देते हैं हमारे कौमी सलामती के इदारों को कि भाई ठीक है ये हुकूमत आ रही है, अब ये कर्जा जो ना बतदरी जब कम होना शुरू हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा, तो उनको हुकूमत में आने दें, वरना आने ही ना दें उनको, ये मेरी तजवीज़ है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, सवाल ये पैदा होता है, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि इतना ज़्यादा तजाद है चीज़ों में, इदारों के दरमियान कोई हम देखते हैं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन यही हो रहा है, एक फ़ैसला पार्लियामेंट देती है, एक फिर अदालत उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, खैर इतना मुतनाज़े अभी जो दौर रहा और जो कुछ फैसले जिस किस्म के आए
इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए? मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो तबसरा हमारे यहाँ तो ये शजर ममनू है, इसके ऊपर तो तबसरा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ हुआ पूरी दुनिया तो देख रही है कि आपने क्या किया। अगर इस तरह मामला चलते रहे तो क्या आप मुल्क को चला सकते हैं? इतना ज़्यादा अगर टकराव होगा, ये फरमाइए। क्योंकि इंसान को हर नए सूरज के हिसाब से सोचना चाहिए। अब नया सूरज अगर आज निकला है तो मेरी उम्मीद ये है कि अब जो आज का जो सूरज निकला है वो नया अच्छा खुशियों का पैगाम लाया है। ठीक है, अब जो नई आज से जो जैसे समझ लो कि नया अदालती निज़ाम भी आज चेंज हुआ है, तो हमें उनसे अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए बिल्कुल ठीक है कि अच्छा काम होगा। और इंशाल्लाह ताला इन पे हमें शक भी नहीं करना चाहिए, ना तो ये पोलिटिसाइज है, ये अच्छे काम करने वाले इदारे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये सब अगर एक पेज पे अगर आ जाएंगे फिर कोई वजह नहीं, क्योंकि अगर इदारों में इख्तलाफात होंगे तो फिर ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। अब मुझे लगता है कि अब जो काम हो रहा है ना वो सब एक दूसरे से मशावरत करके करेंगे जैसे, तो इसके लिए मेरा ख्याल में लोग थोड़ा सा सब्र करें, उम्मीद रखें और बेहतरी की उम्मीद रखें। मुझे तो उम्मीद है, मगर मैं चाहता हूँ जिनको उम्मीद नहीं है वो भी अपनी उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात बहुत जल्दी बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक बेहतरी होगी। महंगाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, हाँ महंगाई के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जो मजीद महंगाई हो रही थी जो मुआहदे हो गए उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जो हुकूमत है वो जाके बात करे IMF से कि भाई लोग परेशान हैं, क्योंकि जब आप जाके पेट्रोल की कीमत 500 रुपये करेंगे और जाके फिर भी आप जाके लाइन में लग के पेट्रोल लेंगे तो वो तो 1000 भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही भाई, उनको तो वो ये देख रहे हैं IMF की, यार इनको हमने 2 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, जब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा किसी ने कोई हमारे नहीं। लोगों की मजबूरी अब ऐसी है कि अगर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं तो जाहिर है लोगों को काम पे जाना है, रोज़गार के हसूल के लिए जाना है, ना चाहते वो उनको डलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं डलवाएंगे तो शायद वो जो रोज़गार कमाने के लिए जा रहे हैं उससे भी हाथ तो बैठेंगे। ये तो इसका मतलब IMF को पता है ना इनके पास पैसे हैं। नहीं, अब मत देखें, चले मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। मसला ये कि ये जितने भी पैसे आ रहे हैं उनको पता है ये निकलवाने कैसे, सिस्टम ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया गया है या इनको बना कर दिया गया है। अच्छा, ये भी एक तो सारी चीज़ें IMF के ऊपर डाल देते हैं लोग हमारे, क्योंकि ज़रा सीधे हैं वो, पढ़ते लिखते नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको इल्म ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो वो जो कुछ भी है ये उनके सर डाल देते हैं। असल में जो उनको प्लान दिया जाता है वो इसलिए ये दिया जाता है कि जितने भी अमीर लोग हैं आप उनको टैक्स नेट में लाएँ और उनसे टैक्स लें, और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर ये आम आवाम है जो जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा के इन्हीं से आप पैसे वसूल कर लें। तो ये कहते हैं हमारे लिए लोगों से जो 98% पाकिस्तान के लोग हैं उनसे निकलवाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत 2% लोगों के, जो हुक्मरान तबका है, जो यहाँ पर साहिब हैसियत लोग हैं उनसे निकलवाना इनके लिए मसला है, क्योंकि कानून साजी जो करते हैं ये वही 2% लोग करते हैं ताकि 98% लोगों का जो है वो जेब से पैसा निकलवाया जा सके। बहरहाल इस पे ज़्यादा और कहूँगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को नागवार गुजरेगा। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे ये तो फरमाइए, क्योंकि अब हमारे पास तो होप देने के लिए नहीं है, आपके पास है तो ज़रूर बताएं। नौजवानों को मैसेज क्या देते हैं? नौजवान जो है मेहनत करें, उनकी डायरेक्शन सही रखें और नौकरी से ज़्यादा अपने कारोबार को फोकस करें। हाँ, ये ज़रूरी है, नौकरी से ज़्यादा अपने कारोबार को फोकस करें और ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट में ना देखें, और रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, आपका दिमाग फ्रेश होगा, आप अपना आपकी मंजिल जल्दी आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप सोचें कि रात को देर तक सोएंगे नौजवान और सुबह देर तक सोते रहेंगे, रात को जागते रहेंगे और फिर उनके डायरेक्शन गलत होगी, तो फिर वो नौजवान जो है तबाह हो जाएगा हमारा। ये तो मसला है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो कुछ देखते आ रहे हैं अब हमारे शहर में ही आप देख लीजिए, अभी भी दुकानें बंद करने के लिए जब भी ऑर्डर दिया जाता है 8 बजे खोल लें, तो मेरे ख्याल में वो अपनी इज़्ज़त का और अना का मसला बना लेते हैं कि उनको ये ऑर्डर दिया कैसे कि सुबह दुकानें खोलो और शाम में बंद कर लो। लेकिन जब ये मिजाज हो लोगों का तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे? आप कोई भी सिस्टम वज़ा कर लीजिए, अब आप देखें सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ही है तो पहले ही बिलों की वजह से परेशान है, लेकिन ये कि अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं देख रहा था अगले दिन यहाँ भाद्राबाद पे भी एहतजाज हो रहा था और यही बात है हो रही है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि दिन की रोशनी में काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। अब फरमाएं क्या किया जाए ऐसी सूरत में? जब आपको पता है इतनी मजबूरी है तो भाई आप पहले तो उसका तोड़ निकालें, अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी दी है उसके, तो उससे फ़ायदा उठाएं, आप अपना काम जल्दी शुरू करें और मगरिब को ख़त्म कर दें। अब हम खुद सही नहीं होते, हम समझते हैं हमारा मुल्क सही हो जाए, तो मुल्क के हुक्मरान भी दायरे वैसे मुसल्लत होंगे जैसे आवाम होगी। तो सबसे पहले अपने आप को सही करें और ये इसका पीछा छोड़ें मोबाइल का,
ये मोबाइल जो है वो एक दजाल है, ये आपको ख़राब करेगा। इसको जितना क्या ये सुबह से 12 घंटे काफ़ी नहीं है मोबाइल इस्तेमाल का, ज़रूरी है कि रात को भी इस्तेमाल करें। भाई दिन भर जो इस्तेमाल करने हैं अपना करें करें, रात को बस एक लॉक लगा दें 9 बजे के बाद, अपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, सुबह करना। आप सोचें, अपनी नींद भी डीप स्लीप लें, आप अपनी आपकी सेहत का भी ख्याल रखें, फिर सुबह आप फ्रेश उठेंगे तो आपको अगर मुस्तकबिल अपना अजीज है तो अपने मुस्तकबिल का सोचें, मुस्तकबिल के हिसाब से प्लान बनाएं कि मैंने करना क्या है। आप मोबाइल से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो आप मुस्तकबिल का क्या सोचेंगे, नहीं फिर ब्लेम माशाल्लाह, क्या ये तो डालेंगे। टाइम आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों के पास बहुत है और मैं देखता हूँ सारा सारा टाइम चाय के होटलों पे बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये जब कल्चर है, अब आपके यहाँ देखें जगह जगह चाय ढाबे और चाय के आपने वो बना दिए हैं चाय खाने। तो पहले जो चाय खाने थे वही बच्चे हमारे, इनको तो खैर इसका इल्म नहीं होगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इधर बैठा करते थे, फैज़ जैसे लोग होते थे और बड़े बड़े नाम होते थे, उनसे लोग सीखने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब के जो आप जाकर देखें यहाँ, तो जो कुछ हो रहा है अल्फाज नहीं है। आधी आपका जो नौजवान नस्ल है वो शीशा और ये सिगरेटें फूक फूक कर जो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो ये समझाएगा कौन, कैसे ये बात समझाई जाए, ये तो इनके फरमाएं। इनके माँ बाप समझाएंगे। अगर अब मैंने देखा कि माँ बाप का कंट्रोल ख़त्म हो गया बच्चों के ऊपर, यकीन माने मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अब जो है ना बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स को समझाते हैं, कितनी बुरी बात है ऐसा ही यार। पेरेंट जो है ना वो ज़िंदगी बच्चा पैदा होता है उसके बाद से सोचते हैं कि किसी तरीके से मेरा बच्चा एक अच्छा बड़ा अच्छा आदमी बन जाए, तालीम याफ्ता हो जाए, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। वो चाहता है जब बाप जब ऐसी उम्र में आता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा अपने आप को ताकतवर समझता है, कुछ करना नहीं, एक्सपीरियंस बाप का है। भाई बाप की इज्जत करो, बाप जो कह रहा है उसको समझो, उसमें बिल्कुल आपका ऐसा ही फ़ायदा है। तो अगर वो जो लोग बच्चों जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, यकीन माने वो कभी ज़िंदगी में रुसवा नहीं होते और बिल्कुल ऐसा ही उनके उनके फरमाबरदार होते हैं, तो उनको उनकी मंजिल मिलती है। और जो वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ऐसा ही बिल्कुल तो ऐसा ही बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स की कदर करें। ये हमारा यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है, इस्लामी कंट्री है। इसमें जो हमारे जो कवानीन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए उस पर अमल करें, आपको फ़ायदा होगा। आप अगर अपने बड़ों का एहतराम करें, मैं माँ बाप का भी एहतराम करें, बड़ों का, बहन भाइयों का एहतराम करें, तो आपको इज्जत मिलेगी, आप ज़िंदगी में आपको बड़ा अच्छा मुकाम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी सी और गुफ्तगू होगी और फिर आगे मामला को लेके चलते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। सईद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाए, मुल्की हालात पे और ख़ास तौर पे मौशी सूरत हाल पे गुफ्तगू हो रही थी। एक सर्वे गुज़िश्ता रोज़ नज़र से गुज़रा और देख रहा था कि तालीम का रुझान सिर्फ़ हमारे यहाँ नहीं कम हो रहा, बल्कि हमारे जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है कि तालीम हासिल करने का जो रुझान है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जितने पाकिस्तानी निजात पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पर, अमेरिका में भी वैसे सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी वो कम्युनिटी सर फहरिस्त है जिसमें सबसे कम रुझान है तालीम हासिल करने का और नौजवानों की बड़ी तादाद ऐसी है कसीर जो इल्म से दूर हो चुकी है। और उसके असरात हमें नज़र भी आते हैं, जिस तरह की खबरें आती हैं हम देखते हैं सड़क पर हर जगह ख़वातीन और ये जो नौजवान लोग हैं कि जाके भोंपूले के लोगों के मुंह पे खड़े होकर उनको गालियाँ और मुगलजात बक रहे होते हैं, तो उससे ये बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि तालीम से बहुत दूर है। एक मखसूस सियासी जमात को बिना सोचे समझे उसकी मोहब्बत में जो कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की जिस तरह से जगहसाई हो रही है,
और जिस तरह से लोग पाकिस्तानियों को देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि तालीम से दूर हो चुके हैं। तो अब ये बाकायदा सर्वे रिपोर्ट भी जारी हो गई है कि ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ रहते हुए तो वैसे ही तालीम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर जाके भी जब मौका मिलता है तब भी तालीम हासिल नहीं करते। रोशन साहब, अब ये बड़ा अलमिया है, बड़ी बदकिस्मती है, हम इसको जो भी नाम दीजिए ना, अब हमारे पास शौक बाकी रहा है और जो थोड़ी बहुत तालीम हमें मैसर थी हम उससे भी दूर हो गए। तो कोई भी मुआशरा हो, कोई भी सोसाइटी हो, वो तभी बन सकेगी जब वहाँ पे तालीम होगी और साथ साथ तरबियत होगी। अब तो ना यहाँ तालीम है और जो तरबियत घर से भी मिल जाया करती थी, अभी ब्रेक के दौरान मैंने आपको कुछ बताया, तो तरबियत से भी हम आरी हो गए। फरमाइए अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए। हमारे यहाँ आजकल बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा इंग्लिश बोले और उसको उसको तालीम उसकी हासिल हो। अच्छा, हर किसी का इस वक्त ज़ोर है तालीम पे, तरबियत पे किसी का ज़ोर ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि तालीम से ज़्यादा तरबियत है। आप देखें, एक तरबियत याफ्ता आदमी जो होता है और उसके साथ तालीम भी हो, क्या बात है। बिल्कुल ठीक है, और दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर उसके बाद निखार पैदा होता है ना उसके अंदर। अब हमारे यहाँ जो सिर्फ ज़ोर है ना, वो सिर्फ जैसे आपने कहा कि सिर्फ ब्रेक के अंदर के वो खातून आई बाल काटने के ऊपर, बच्चे के ऊपर इतनी गर्म हुई, तो वो माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के खुद दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसे, उनकी तरबियत करें। देखिए, थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है कि अगर आप बच्चों को सोते में अगर उठा देते हैं सुबह जल्दी, तो आपको तकलीफ़ होती है क्या सो रहा है भाई, सो रहा है उसका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अब उसको उठाएं, थोड़ा वो थोड़ा चिड़चिड़ापन करेगा, मगर आप उसकी चिड़चिड़ापन पर नहीं जाएं। फिर वो 2-2 बजे तक सोएगा तो आप उसको बोले सोने दें, फिर 2 बजे उनका नाश्ता हो रहा होता है। तो ये तो घर में तरबियत, फिर किस किस्म की तालीम है? तालीम और तरबियत। हमें तो जो हमें दौर याद था, हमने बोला भाई इधर शादी करनी, बिस्मिल्लाह। हम नहीं, हमारे साथ जितने हमारे दौर के लोग थे उनके माँ बाप शादी करते थे। कोई ये रुझान ही नहीं था कि अपनी पसंद की शादी हो, पसंद हो जाए तो कोई मुजायका भी नहीं है, मगर तालीम का अपना टाइम पे जाना होता था, टाइम पे वापस आना होता था। सूरज निकलने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई सो जाए, उसको तो पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजा जाता था। सही है, बिल्कुल कि अगर सूरज निकल गया और सो रहा है तो बस समझ लें कि वो मतलब उसकी शामत आ जाती थी, अगर कुछ होता रहे। तसव्वुर नहीं था। और अब तो यकीन माने लोगों को पता ही नहीं चला कि सूरज जब जब सूरज गुरूब होता है ना, जब वो जागते हैं और जब सूरज जब सूरज गुरूब होने वाला होता है फिर उठते हैं वो। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ा अलमिया है। और ये बहसियत मजमुआ जो हमारा यहाँ पर आबाद है, ये उन सब का कुल मिजाज ऐसा ही है। अभी आप जाके मार्केट के अंदर सर्वे करें कि 10-11 बजे भी आपको सन्नाटा नज़र आएगा। 1 बजे यहाँ पे लोग उठते हैं और उसके बाद फिर कामों पे जाना शुरू करते हैं अपने। तो ये जब मिजाज रहेगा तो फिर सूरत हाल ऐसी ही होगी। तो जब खुद अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कितनी और ज़्यादा आपको तनकीद की जाए और क्या कुछ बताया जाए। आखिर में रोशन साहब, पैगाम मैं चाहता हूँ हमेशा दें, जैसा भी आपने पूरी गुफ्तगू में एक पैगाम ही दिया है, लेकिन आखिर में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पैगाम दिया जाए उस वक्त ख़ास तौर पर लोगों को जो महंगाई से सताए हैं, क्या पैगाम हो सकता है, फरमाइएगा। जो लोग महंगाई से परेशान हैं, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगें। और अल्लाह ताला भूखा ना किसी को सुलाता है और ना किसी को, अल्लाह ने सारे इंतजाम किए हुए, जिसको जितना देना अल्लाह को पता अल्लाह देता है, अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता, ज़रूरत के वक्त सारी चीज़ें अल्लाह ताला उनको दे देता है। सिर्फ हमारे यहाँ किसी कमी है तो किसी ईमान की कमी है। दूसरा ये कि जो आजकल हमारे जो नए हुक्मरान हैं, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है या हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सुबह एक कानून बनाएं कि सुबह जल्दी उठने के ऊपर, कि सुबह जल्दी कारोबार शुरू करें। और फिर वो तल्ख बात हो जाएगी कि ताजिर बिरादरी बोलेगी कि देर से कारोबार क्यों। मैं कहता हूँ रात को 8 बजे कारोबार बंद कर दें, एक कानून बना दें, जो दुनिया में होता है, हमारा अनोखा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में यही होता है कि वहाँ तो 6 बजे 5 बजे कारोबार बंद हो जाते हैं, 6 बजे सारे मॉल भी बंद हो जाते हैं। तो हम लोग अगर उस सिस्टम से आउट जाएंगे तो चाहे हमारे मुल्क में खराबी पैदा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और ये कानून से ज़्यादा डंडे से ज़्यादा इसको वो किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, ख़ासतौर पर जिस वक्त मामलात हैं और ख़ासतौर पर जो हालात वाक़ियात सामने आ रहे हैं, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट आपके सेहत के हवाले से जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।